हम लोगों का क्लास में चल रहा था पार्टनरशिप। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, 2 मिनट का रिकैप लूंगा, उसके बाद नए टॉपिक के मूव करेंगे। सबसे पहले देखा पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अगर डीड नहीं बनी तो एक्ट का क्या नाम मानेंगे, और एक्ट क्या कहता है, पीएसआर इक्वली, एक्ट क्या कहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, पार्टनर की सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, और उसके बाद कोई पार्टनर को आप एडमिट नहीं कर सकते जब तक सब पार्टनर नहीं मानेंगे, ये डिस्कस किया मैंने। फिर कॉन्सेप्ट आया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने कहा नॉमिनल नेचर अकाउंट है, जितनी भी अप्रोप्रिएशन है पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आएगी, और बताया अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट अलाउड टू द पार्टनर इन द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर। हमने डिस्कस किया अप्रोप्रिएशन के कुछ एग्जांपल्स बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, कुछ प्रॉफिट संभाल के रख दिया रिजर्व की फॉर्म में, रिजर्व, और जो एंड में बच जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट, ये सभी एग्जाम्पल है अप्रोप्रिएशन के, सभी एग्जाम्पल है अप्रोप्रिएशन के, और जितने भी अप्रोप्रिएशन है अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आते हैं। और बताया कुछ एग्जाम्पल है जो अप्रोप्रिएशन लगते हैं लेकिन अप्रोप्रिएशन होते नहीं है, जैसे पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, या मैनेजर को कमीशन पे कर रहे हैं, ये अप्रोप्रिएशन होते नहीं है, ये एक्सपेंस होते हैं, ये पीएनएल अकाउंट में आते हैं। लेकिन अब हमारे को पीएनएल अकाउंट बनाना नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। एक बात और, जो प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आता है हम लिखते हैं बाय पीएनएल अकाउंट, हम लिखते हैं ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएशन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जो प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा दैट शुड बी आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस बट बिफोर चार्जिंग एनी अप्रोप्रिएशन, मतलब उस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस हो जाने चाहिए, अगर नहीं हुए तो माइनस करेंगे, और उस प्रॉफिट में से कोई भी अप्रोप्रिएशन माइनस होना नहीं चाहिए, अगर माइनस हो चुका है तो उसको एड बैक कर देंगे, ये बात बताई थी। और एक बात और बताइए, अगर क्वेश्चन में आपको वर्ड मिल जाए फिक्स्ड, मिल जाए फिक्स्ड, तो जितनी भी अप्रोप्रिएशन है हम सब लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं। अभी तक खाली मैंने आप लोगों को इतना ही पढ़ाया है, इससे आगे हम लोग अभी तक नहीं गए, इससे आगे अभी तक हम लोग नहीं गए। अब आज को डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, टॉपिक ध्यान से बात सुनेगा, आज क्या करने जा रहे हैं हम, कुछ अप्रोप्रिएशन के थोड़ा सा आगे चलेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अप्रोप्रिएशन खत्म हो चुका है, अभी वापसी अप्रोप्रिएशन में हम लोग आएंगे, दोबारा अप्रोप्रिएशन में आएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने जितने क्वेश्चन अप्रोप्रिएशन के देखे वहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में गिवन था, अब आगे हम जो लोग क्वेश्चन करेंगे आपको वहां पे आईओडी गिवन नहीं होगा, आपको आईओडी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर हम रखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग के नाम, इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम दोबारा जाएंगे, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद कवर करने के बाद हम दोबारा वापसी लौट के जाएंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहां जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के साथ सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग के नाम, आओ स्टार्ट करते हैं, इसके टॉपिक के बाद लिखना स्टार्ट करते हैं, समझेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं जो आपको होमवर्क दिया था आपको डाउट नहीं रहा होगा, डाउट रहा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत, अभी एक दो लेक्चर में जब आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करवा दूंगा तो वो डाउट आपके ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने एनपीओ में देखा था डाउट आते थे फिर जब सारे कॉन्सेप्ट खत्म हुए तो डाउट आपके ऑटोमेटिकली निकल गए। तो अगर डाउट आ भी रखे उसको होल्ड रखो, एक दो दिन के बाद जब मैं कॉन्सेप्ट सब इकट्ठे करवा दूंगा तो जो जो आपके डाउट आ रहे हैं वो सारे डाउट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे, फिर भी कोई रह जाएगा मैं बैठा हुआ हूं बेफिक्र रहिए। आओ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग के नाम।
समझेंगे प्लीज। आज अप्रोप्रिएशन नहीं आना आज के लेक्चर में, आएगा दो दिन के बाद दोबारा आएगा, फिर हम बात करेंगे। तब अप्रोप्रिएशन किसके साथ आएगा, तब अप्रोप्रिएशन भी आएगा, आईओडी भी आएगा, कैपिटल अकाउंट भी आएगा, करंट अकाउंट सब कुछ आएगा, बड़ा क्वेश्चन बन के आएगा तब की बात। फिलहाल एक एक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम खत्म करके चलते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन डॉट्स। समझते क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या होता है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कई मेरे एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है आईओडी के ऊपर, आईओडी कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करो, कई में अलग से क्वेश्चन आता है, दो नंबर, तीन नंबर, एक नंबर में आ जाता है। अब देखो आईओडी क्या होता है, पहले समझेंगे आईओडी क्या होता है। देखो जब पार्टनर्स लोग, पार्टनर लोग फर्म से पैसे को विड्रॉ करते हैं, समझना मेरी बात, जो पार्टनर फर्म से पैसे को विड्रॉ करते हैं तो फर्म कहती है भाई हमें इंटरेस्ट दो, फ्री में पैसा नहीं मिलता, आप पैसा निकाल के लेके जा रहे हो, फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगेगी। फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी मांग सकती है जब डीड में लिखा हो, जब डीड में नहीं लिखा, मैंने बताया था आपको, तो एक्ट कहता है, सर क्या कहता है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं डीड में लिखा हुआ है, अब जो डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग फर्म इनसे डिमांड करेगी, पार्टनर से डिमांड करेगी कि आप हमारी फर्म को, अपनी फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, क्योंकि आपने पैसा फर्म से विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए। अब नाउ, अब क्या होता है, समझना मेरी बात। अब देखो ड्राइंग दो प्रकार की होती है, एक आती है हमारे पास इक्वल ड्राइंग्स। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे सॉल्व करना, पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। दो टाइप के क्वेश्चन हम लोगों के पास आएंगे, एक होती है इक्वल ड्राइंग। सर इक्वल ड्राइंग क्या होता है, मान लो मैं हर महीने पैसे निकाल लो, हर महीने इक्वल पैसे निकाल लो, हर महीने 1000 रुपए निकालता हूं, या मान लो हर तीन महीने के बाद पैसे निकाल रहा हूं, हर हाफ ईयर के बाद पैसे निकाल रहा हूं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ पैसा फॉर्म से विड्रॉ कर रहा हूं, इक्वल पैसा और इक्वल टाइम, उसको बोलते हैं इक्वल ड्राइंग। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता हम लोगों के पास, उसे हम कहते हैं अनइक्वल ड्राइंग्स। एक आता है कॉन्सेप्ट अनइक्वल ड्राइंग्स, यहां पे क्या होता है, कभी मन कर गया 1000 रुपए निकाल लिए, कभी 2000, कभी 3000, ना अमाउंट फिक्स है ना टाइम फिक्स है, उस तरह की ड्राइंग को हम कहते हैं अनइक्वल ड्राइंग। जब समय भी निर्धारित हो और पैसा भी निर्धारित हो, मतलब इक्वल ड्राइंग, और जब समय और अमाउंट ना पता हो क्या कब क्या निकाला, उसको बोलते हैं अनइक्वल ड्राइंग। और बाद में सिखाऊंगा, अभी इसको डिस्कस करेंगे, आज हम खत्म करेंगे इक्वल ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट, आज खत्म करेंगे आज। यहां पे दो मेथड देखने को मिलेंगे हमारे को, एक मिलेगा सिंपल मेथड, क्या होता है बताऊंगा जब टाइम आएगा अगली क्लास में, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, आप लिखते जाइए साइड बाय साइड, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। ये सिंपल नाम का ही सिंपल है, बड़ी सारी कैलकुलेशन होते हैं यहां पर। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया अनइक्वल ड्राइंग का और क्वेश्चन वाला कोई मेथड नहीं बोलता, कोई मर्जी लगाओ कुछ नहीं बोलता अगर, तो बच्चे हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि कैलकुलेशन कम होती है यहां पे। जब करवाऊंगा तो बताऊंगा, फिलहाल अभी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दो तरीके की ड्राइंग होती है, एक होती है इक्वल ड्राइंग। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज अपनी स्कूल की क्लास उम्मीद है खत्म होगी होगी आपकी, तो अब ध्यान से मेरी बात सुनेगा, टॉपिक जो चल रहा है क्लास में ध्यान से बात सुनेगा प्लीज, जो अभी आया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इक्वल और अनइक्वल। इक्वल में हर महीने या हर क्वार्टर में इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, और अनइक्वल में क्या है, ना टाइम ना पैसा, टाइम का भी कुछ नहीं पता, पैसे का भी कुछ नहीं पता, उसको बोलते हैं अनइक्वल ड्राइंग। और अनइक्वल ड्राइंग को सॉल्व करने के दो मेथड है, सिंपल और दूसरा है प्रोडक्ट, अभी डिस्कस करेंगे। पहले आज के लेक्चर में हम कवर करते हैं इक्वल ड्राइंग, या हमारे पास सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चार टॉपिक आएंगे। एक आएगा मंथली इक्वल ड्राइंग, थोड़ी स्पीड से लिखना प्लीज, मंथली इक्वल ड्राइंग। सेकेंड आएगा
क्वार्टरली इक्वल ड्रॉइंग, मंथली इक्वल ड्रॉइंग, क्वार्टरली इक्वल ड्रॉइंग, थर्ड आएगा हाफ ईयरली इक्वल ड्रॉइंग, मंथली इक्वल ड्रॉइंग, क्वार्टरली इक्वल ड्रॉइंग, हाफ ईयरली इक्वल ड्रॉइंग, और लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा मंथली इक्वल ड्रॉइंग फॉर सिक्स मंथ, मंथली इक्वल ड्रॉइंग फॉर सिक्स मंथ। तो इक्वल ड्रॉइंग में मेरे पास चार कॉन्सेप्ट है, पहला मंथली इक्वल ड्रॉइंग है, दूसरा क्वार्टरली इक्वल ड्रॉइंग है, थर्ड हाफ ईयरली इक्वल ड्रॉइंग है, और फोर्थ है मंथली इक्वल ड्रॉइंग फॉर सिक्स मंथ, मंथली इक्वल ड्रॉइंग फॉर सिक्स मंथ। मैं वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा आप लोगों से, वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करना है। पहले बात करेंगे हम लोग मंथली इक्वल ड्रॉइंग की, पहले बात करते हैं मंथली, समझना मेरी बात, मंथली इक्वल ड्रॉइंग्स, मंथली इक्वल ड्रॉइंग्स, मंथली इक्वल ड्रॉइंग, या हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट आने हैं मंथली इक्वल ड्रॉइंग में, तीनों सीखेंगे वन बाय वन। पहला क्या आता है, महीने की स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहे हो, महीने की स्टार्टिंग में ड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मान लो आपने पैसा निकाला हर महीने एक अप्रैल को, एक अप्रैल, एक मई, फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, फर्स्ट जून, फर्स्ट जुलाई एंड सो ऑन, तो ड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। सेकंड आता है ड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडल में, मतलब सर 15 अप्रैल, 15th अप्रैल, देन 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई एंड सो ऑन, और लास्ट 15 मार्च, मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के एंड में। और थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमारे करिकुलम में है, आप लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हो मंथ के एंड में, ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है, आओ देखते तीनों कॉन्सेप्ट को, देखते कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हमें कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, कॉन्सेप्ट है मंथली इक्वल ड्रॉइंग, कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते, आ जाओ कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बात कर तो मंथली इक्वल ड्रॉइंग की, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय, जैसे आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाइड बाय, तो टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू, ध्यान से बात सुनेगा, यहां पर आएगा टाइम फैक्टर। आप देखो आप पैसे कैसे विड्रॉ कर रहे हो, पहली बार निकाला 1 अप्रैल को, तो पैसा जब 1 अप्रैल को आप निकालोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक बात सुनना, देखो सुनो मेरी बात, जब पैसा आपने 1 अप्रैल को निकाला, तो जो पैसा पहली बार निकालोगे पैसा इस्तेमाल होगा 12 मंथ के लिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो पैसा इस्तेमाल हुआ 12 महीने के लिए। जब आप पैसा निकालोगे 1 मई को, वो पैसा विड्रॉ होगा 11 महीने के लिए। ऐसे आखिरी में निकालोगे 1 मार्च को, वो पैसा उस साल विड्रॉ होगा 1 मंथ के लिए। तो ऐसे हमें 12 महीने, 11 महीने, 1 महीने का निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत लेंथी। हमने निकाला उसका एवरेज, एवरेज कैसे निकाला, एवरेज क्या आया बताते हैं, एवरेज क्या निकला, हम कहते हैं मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 6.5 बाय 12 m, 6.5 एवरेज मंथ आ गए,
पहली बार 12 महीने 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उसका एवरेज आ गया 6.5 मंथ। सर कैसे आया बताओ, हाउ 6.5 आओ आओ समझेंगे एवरेज कैसे आया। देखो जब पैसा आपने पहली बार निकाला फर्स्ट टाइम आपने विड्रॉ किया पैसा 1 अप्रैल को, मतलब पैसा 31 मार्च तक 12 महीने के लिए अप्लाई यूज हुआ। लास्ट टाइम एवरेज निकाला, लास्ट टाइम आपने लास्ट बार पैसा विड्रॉ किया आखिरी मंथ के बिगनिंग में, इस साल का आखिरी मंथ कब होगा, फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से मार्च, 1 मार्च, तो वो पैसा आपने इस्तेमाल किया 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीने। पहली बार निकाला 12 महीने, आखिरी बार निकाला 1 महीने, तो उसका जब एवरेज करोगे आप लोग तो डेट इज 6.5 मंथ। तो 6.5 कैसे आया, बिगनिंग वाला और एंड वाले का एवरेज। या आप ये भी कर सकते हो 12 प्लस 11 10 9 पूरा करके अपॉन 12 कर दो तो भी 6.5 ही आएगा। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट मेरे से कोऑर्डिनेट करो, फिर आपको आगे लेके जाऊंगा। प्लीज बिगनिंग की आईओडी कैसे निकालते हैं, जितनी टोटल ड्रॉइंग है मल्टीप्लाई करो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन क्या आएगा, अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ। एवरेज मंथ क्या है, 6.5 अपॉन 12। यहां तक कोई डाउट किसी को, प्लीज कोई डाउट? नो सर। चलते हैं बात करेंगे मिडल की, समझेंगे मिडल में क्या होगा। और आप लोग खुद सोचो, मिडल की कैलकुलेशन अपने आप करो, जैसे मैंने आपको ये सिखाया 6.5 कैसे आया, और आप लोग अपने आप सोचोगे मिडल में क्या आएगा वो देखते हैं। पहले फॉर्मूला लगाते हैं आईवीडी कैसे बनेगा, टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाइड बाय आरओआई अपॉन 100 इनटू डैश अपॉन 12। लगाओ डैश, लगाओ डैश पे क्या आएगा, सोचो अपना दिमाग खुद लगाओ डैश पे क्या आएगा। इसी प्रकार आखिरी वाला भी, आखिरी वाला भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, टीडी इंटू आर ओ आई अपॉन 100 इंटू डैश अपॉन 12 मंथ, और सोचेंगे मिडल के डैश में क्या आएगा और एंड के डैश में क्या आएगा। समझो आप लोग क्या आएगा, मुझे बताओ और मेरी हेल्प करो, वेट कर रहा हूं कैसे आएगा मिडल का और एंड का। सब लोग अपनी कैलकुलेशन करो, मैंने आपको बिगनिंग का सिखा दिया, बिगनिंग में कैसे सिखाया, पहले महीने पूरे 12 महीने 1 अप्रैल से 31 मार्च, लास्ट बार 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना, 12 प्लus 1 = 2 आ गया 6.5। बताओ मिडल में क्या आना चाहिए, सोचो जी सोचो, सब लोग सोचो मिडल में क्या आना चाहिए। पैसा विड्रॉ 6, अभी देखेंगे क्यों आएगा, अब इसको भी प्रूफ करके चेक करेंगे हम लोग। 6 बोला किसी ने भी, देखते हैं 6 सही है कि गलत है, देखेंगे जिन्होंने 6 बोला, बाकी लोग देखो लास्ट वाले में क्या आएगा चेक करते हैं, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे सही है कि गलत है। बच्चे सही है कि गलत है, हाँ जी बताओ जी बताओ, सबकी वेट कर रहा हूं मैं, रटना नहीं समझना चीजों को, रटवा तो एंड में 1 मिनट में भी दूंगा टॉपिक पूरे का पूरे, जब चैप्टर टॉपिक खत्म होगा तो एक छोटा सा टेबल बनवा दूंगा, याद कर लो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं करना समझना चीज को यार हम लोगों ने। बोलो ये क्या आएगा आखिरी वाले में क्या आना चाहिए, हर महीने के एंड में निकाल रहे हो, हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड 5.5, एक आंसर आया 5.5, मैं लिखते हैं हम लोग यहाँ 5.5, कोई बात नहीं लिखते हम लोग, लिखते सब लोग लिख लो एक बार, आंसर सही है, बहुत बड़े आंसर सही है। अब इसको हम प्रूफ करके देखेंगे, आओ समझ आया तो भी अच्छी बात, नहीं आया भी प्रूफ करते हैं। और आज का पूरा लेक्चर एंड में छोटे से बॉक्स में कवर कर दूंगा, एंड में बॉक्स बनाऊंगा, याद कर लो काम खत्म हो गया, पूरा आईओडी खत्म करना है हमने इक्वल वाला आज। आओ सर चलेंगे, आओ देखते आओ, हाउ 6, हाउ 6 समझते, हाउ 6 कैसे आया, 6 कैसे आया। सर जी मंथली ड्रॉइंग है, आप प्लीज नोटिंग कर लीजिएगा, 6.5 6.5 6.5, याद तो हम कर लेंगे, रटने में एक्सपर्ट है, उसकी चिंता मत करो। हाउ सर 6 कैसे आया समझो बेटे, पहली बार पैसा निकाला मिडल में, हर महीने के मिडल में, तो पहली बार निकाला सर हमने 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च साल के एंड तक 11.5 महीने होते हैं। आखिरी बार पैसा निकाला 15 मार्च को, 15 मार्च से 31 मार्च
हाफ मंथ होता है, 11.5 और हाफ, 11.5 और 5, हाफ 6। हाँ जी सर, कितना आ गया? एवरेज निकाल लो इसका जी, कितना आ गया? अपॉन टू 12.2, दैट इज 6 मंथ एवरेज। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर मंथली समझ आ गए तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो फॉर्मूले भी आपने ही बनाने हैं, वे तो खाली गाइड करने, मेरा काम तो हो गया खत्म आज के लेक्चर का, वो आप ही ड्राइव करोगे फॉर्मूले। आओ सर चले, हाउ 5.5, हाउ 5.5, आ जाओ जी आ जाओ, हाउ 5.5, हाउ 5.5। आएगा बिगिन करते 5.5 कैसे आएगा, डिस्कस करते। सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम मंथ के एंड में, मंथ के एंड में सबसे पहली बार का पैसा विड्रॉ किया होगा 30th of April, ये पैसा 31 मार्च तक इस्तेमाल हुआ होगा, मतलब 11 महीने। लास्ट टाइम कब विड्रॉ किया हमने? 31st of March, हाउ मेनी मंथ्स? 0 month, महीने की लास्ट डेट पे निकाल रहे हो, निकालो इसका एवरेज, 11 plus 0.2, 11 upon 2, 5.5 month। हाँ जी बताओ, जी बताओ, किसी को डाउट? क्या मंथली ड्राइंग में किसी के मन में क्वेश्चन, कोई प्रश्न रह गया है तो मुझसे पूछो प्लीज, मैं सबकी वेट कर रहा हूं, पार्टिसिपेट करो, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता हूं पूरी मैं। प्लीज बताओ, कोई डाउट किसी को? No यहां doubt, तक sir. एक बात और बतानी है खाली, क्या रहेगी इसमें सर? टीडी कैसे निकालते हैं? अगर टीडी क्वेश्चन में नहीं पता तो वो कैसे? टीडी क्या होता है? टोटल ड्रॉइंग। सर ये कैसे निकालते हैं? अगर हमें टोटल ड्रॉइंग नहीं पता तो कैसे निकालेंगे? आओ देखते हैं टोटल ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे इस वाले में, अगर टीडी नहीं पता तो। हर महीने कितना पैसा विड्रॉ किया? ड्रॉइंग्स एवरी मंथ, हर महीने कितना विड्रॉ किया? मल्टीप्लाइड बाय, एक साल में कितने महीने होते हैं? अगर टीडी नहीं पता, आपको मंथली ड्रॉइंग पता होगा, मंथली ड्रॉइंग को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों का टीडी आ जाएगा। इस तरीके से मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट खत्म करवा दिया, इक्वल ड्रॉइंग में मंथली ड्रॉइंग। अब हम चलेंगे क्वार्टरली ड्रॉइंग के पास, इक्वल ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, दैट इज द क्वार्टरली ड्रॉइंग्स। हाँ जी बताओ जी, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 quarters? 4। फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल से लेकर, 1 अप्रैल से 30th June, 1 जुलाई से, बोलो जी बोलो, सितंबर, अक्टूबर से, दिसंबर, जनवरी से, जी मार्च। एक साल में होते जी 4 quarters। एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं जी? एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3। इस बात को लिख लेना भाई, देखो देखो बातें छोटी छोटी है, कहीं मैं क्वेश्चन को गलत करवा देती है, मैं मानता हूं आप लोगों को आता होगा, लेकिन जितनी बातें बता रहा हूं कहीं ना कहीं काम आपको आएगी। और फिर चले, यहां भी 3 concepts आएंगे, क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर के मिडल में और क्वार्टर के एंड में। और तीनों की बात करते हैं और आप खुद सोचना क्या कैलकुलेशन बनकर आएगी, खुद सोचना एक बार, आप लोग सोच पा रहे हैं क्या? आप लोग फॉर्मूला खुद बना पा रहे हैं? सर एक बात और सिखा दो यहाँ पे, सर टीडी कैसे निकालना है? टोटल ड्रॉइंग यहाँ पे कैसे निकालेंगे? क्वार्टरली ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग मतलब हम बेसिकली बात कर रहे हैं ईयरली ड्रॉइंग की, मतलब ईयरली ड्रॉइंग की बात कर रहा हूं, टोटल का मतलब ईयरली। तो सर क्या बोलोगे? क्वार्टरली ड्रॉइंग एक साल में, क्वार्टरली ड्रॉइंग, क्वार्टर 4 quarters, तो साल की ड्रॉइंग मल्टीप्लाइड बाय 4।
तो अगर एक क्वार्टर में कोई 2000 पे विड्रॉ करता है तो साल में उसने विड्रॉ किए 2004 बार, 4 times मल्टीप्लाइड बाय 4। तो सर मंथली वाले में निकालते थे मल्टीप्लाइड बाय 12, लेकिन सर क्वार्टरली में निकालते हैं मल्टीप्लाइड बाय 4। इस बात को आप याद रखना, सर याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते खेलते आ जाओ सर, क्या खेलना है यहाँ पे? मंथली नहीं, अरे कहाँ गया, हाँ जी आओ, क्वार्टरली में बिगनिंग, क्वार्टरली में मिडल और क्वार्टरली में एंड। ठीक है जी, हमें निकालना है आईओडी, हमें पता है टीडी इंटू आरओआई अपॉन 100 इंटू डैश अपॉन 12। इसी प्रकार यहां भी टीडी, हाँ जी सर यहां क्या लिखेंगे जी, यहां क्या लिखेंगे, यहां पे आ जाओ, इस वाले में आईओडी इक्वल टू टीडी इंटू आरओआई अपॉन 100 इंटू डैश अपॉन 12। ये एवरेज मंथ निकालेंगे। सर आखिरी वाले में भी आ जाओ, आईओडी इक्वल टू टीडी इंटू ROI upon 100 into dash upon 12 month। आओ जी आओ करेंगे, बताओ क्या बनेगा, मेरी हेल्प करो आप लोग, खुद सॉल्व करो, पहले समझो क्या बनना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों के मन में, क्या विचार है, सोचो जी सोचो। क्वार्टर के बिगनिंग में, क्वार्टर के बिगनिंग में एक बात बताओ यहां पे आओ, अगर मैं कहता हूं क्वार्टर के बिगनिंग में निकाला तो पहली बार पैसे का विड्रॉ किया होगा, पहली बार का विड्रॉ किया होगा, बोलो, फर्स्ट अप्रैल को, क्वार्टर के बिगनिंग, मंथ का बिगनिंग नहीं, क्वार्टर का बिगनिंग। तो वो पैसा मैंने 1 अप्रैल से लेके कब तक इस्तेमाल किया होगा, साल के एंड तक, मतलब 12 महीने तक, आखिरी बार एवरेज निकालना, पहला और आखिरी, आखिरी क्वार्टर कौन सा है, बोलो जी बोलो, 1 जनवरी से 31 मार्च, उसका बिगिनिंग क्या है, 1st of January। सर इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार हमने निकाला पैसा 1 अप्रैल को। आओ देखते हैं, पहले लिख लेते हैं यहां पे क्या आएगा, सोचो क्या आएगा, लिख लो आप, 7.5। प्रूफ करेंगे कैसे आ रहा है, 7.5, 6 और आखिर वाले में आएगा 4.5। अभी करेंगे प्रूफ कैसे आ रहा है, अभी करेंगे जी प्रूफ, 7.5 कैसे आया, 6 कैसे आया और 4.5 कैसे आया, अभी फिलहाल लिख लो, देखते कैसे आया और समझेंगे इसके बारे में, समझेंगे हाउ 7.5। आओ सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हाउ 7.5, आओ समझते सर कैसे आया, आओ समझते कैसे आया, आओ, हाँ जी सर, हाउ 7.5, हमने कहा जी क्वार्टर के बिगिनिंग में, ऊपर आ जाओ क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो पहले क्वार्टर का बिगिनिंग है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से साल के एंड तक, 1 अप्रैल से, 1st अप्रैल से ईयर के एंड तक, 31st मार्च, होते हैं 12 महीने। आखिरी क्वार्टर का बिगिनिंग, सो आखिरी क्वार्टर स्टार्ट हुआ जनवरी में, तभी लिखवाई मैंने बातें आपको, ये आखिरी क्वार्टर स्टार्ट हुआ बिगिनिंग जनवरी में, जनवरी से लेकर मार्च तक, सर होते हैं 3 महीने, निकालो जी, 12 महीने प्लस 3 महीने का एवरेज, 15/2 month, दैट इज 7.5 month। कोई मन में डाउट हो, मन में क्वेश्चन हो, कैसे आया पूछ सकते हो, चलेंगे 6 वाले के पास, आज इक्वल ड्राइंग हमने पूरा खत्म करके उठना है, चाहे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी क्यों ना लगे, लेकिन इक्वल ड्राइंग पूरा खत्म करके उठेंगे आज। हाउ 7.5, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, चलते हैं। हमने कहा जी मिडल में आया 6, हाउ 6, कैसे आया समझेंगे,
हाउ सिक्स, छह कैसे आया? कह रहा है क्वार्टर के मिडल में, ध्यान से सुनो, क्वार्टर के मिडल में, देखो एक क्वार्टर में तीन महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, तो क्वार्टर के मिडल में, तो मतलब डेढ़ महीना निकल गया, अप्रैल भी निकल गया और मई का आधा महीना, मई का आधा महीना। तो सर हमने कब विड्रॉ किया, मतलब कब विड्रॉ किया, पहले क्वार्टर में, तो सर कब विड्रॉ किया, अप्रैल चला गया, मई का आधा महीना, मतलब मैं कहता हूं 16 मई से लेकर ईयर के एंड तक 31 मार्च तक डेढ़ महीना चला गया स्टार्टिंग का, मतलब रह गए 10.5 महीने। यह तो हो गया स्टार्टिंग वाली बात। अब आखिरी वाला क्वार्टर, लास्ट वाला क्वार्टर का मिडल, देखो लास्ट वाला क्वार्टर जनवरी से मार्च, उसका मिडल, तीन महीने का मिडल, मतलब डेढ़ महीने के बाद, तो जनवरी पूरा चला गया लगभग फरवरी, मतलब लगा लो 16 फरवरी से 16 फरवरी से कब तक, 31 मार्च तक। सर ये होता है वन एंड हाफ मंथ, दैट विल बिकम 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ आ गया एवरेज। कोई डाउट किसी को, हाउ सिक्स प्लीज कंफर्म कीजिए, कोई डाउट, हरी अप, नो सर। नाउ हाउ 4.5, एक एक कॉन्सेप्ट काम आएगा आगे क्वेश्चन में, हाउ 4.5 देखते हैं, हाउ 4.5 मंथ, क्या कह रहे सर, क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के एंड में, पहले क्वार्टर के एंड में, अप्रैल गया, मई गया, 30 जून को निकाले, 30 जून को, मतलब जून भी चला गया, तो क्वार्टर के एंड में, तो पहली बार हमने विड्रॉ किया क्वार्टर का एंड, मतलब 30 जून से 31 मार्च, जून तो चला गया, ये रह गए 9 मंथ्स, लास्ट क्वार्टर का एंड, लास्ट क्वार्टर का एंड 31 मार्च आ गए 0 मंथ, निकालो जी एवरेज 4.5 मंथ। ये था हमारा क्वार्टरली का बिगनिंग मिडल एंड। अभी तक हमने कवर कर लिया इक्वल ड्राइंग में मंथली के तीनों और क्वार्टरली के तीनों, अब हम लोग आगे मूव करेंगे टुवर्ड द हाफ ईयरली ड्राइंग, टुवर्ड द हाफ ईयरली ड्राइंग, और स्टार्ट करते चलते हाफ ईयरली भी चलते आ जाओ। चलो हाफ ईयरली में क्या आएगा, एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे, और बात करते हैं हाफ ईयरली ड्राइंग्स, हाफ ईयरली क्या कहते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 2.5 ईयर हो गया। अगर हम बात करें पहला कहां से कहां तक जाएगा, अप्रैल से लेकर सितंबर, दूसरा अक्टूबर से लेकर मई, निकाले टोटल ड्राइंग, या टीडी कैसे निकलेगा, टीडी कैसे निकलेगा, हाफ ईयरली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय, बोलिए, हाफ ईयरली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय 2। देखिएगा टीडी आ गया जी, हाफ ईयरली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय 2। चलते आगे, यहां भी जिक्र करेंगे बिगिनिंग का, मिडल का और एंड का, और फटाफट फॉर्मूला बनाएंगे, यहां पे फटाफट फॉर्मूला बनाएंगे बिगिनिंग का, मिडल का और एंड का। आएगा हाफ ईयरली बिगिनिंग, खुद सोचिए अपने आप, मुझे बताएंगे आप लोग, हाफ ईयरली मिडल, हाफ ईयरली एंड, हां जी हेल्प करो जी, टीडी इंटू आर ओ आई ओवर 100 इंटू डैश अपॉन 12, बताना कितना आ रहा है मुझे, वेट कर रहा हूं,
बताना जी, बताना सब लोग। टी डी इंटू आर ओ आई ओवर 100 इंटू डैश अपॉन 12 मंथ, और लास्ट टी डी इंटू आर ओ आई ओवर 100 इंटू डैश अपॉन 12 मंथ। सॉल्व करो जी, क्या आएगा बताओ जी, क्या आना चाहिए? वेट कर रहा हूँ, तीनों का बताओ। हाँ जी बताओ जी, बिगनिंग में क्या आएगा? पूछ, वेट कर रहा हूँ, बताओ जी बिगनिंग में क्या आएगा? 9 months। 9 बिगनिंग में आ गया जी, 9 अभी देखेंगे 9 कैसा है, बात करेंगे सब लोगों से। 9 मिडल में, मिडल में क्या? 6। और एंड में क्या आ गया जी? 3 कैसा है? मैं यही वर्किंग कर रहा हूँ, उसको अब ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। 9 6 3 कैसे आया मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा। 9 देखो कैसे आया, 6 कैसे आया और 3 कैसे आया। हमने कहा बिगनिंग ऑफ हाफ ईयर, तो पहली बार पैसा निकाला 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 मंथ। अगली बार पैसा विड्रो के सेकेंड हाफ ईयर का बिगनिंग, मतलब 1 अक्टूबर को, अक्टूबर से मार्च 6 महीने, 18/2 एवरेज आ गया 9 मंथ। मिडल में 6 कैसे आया, ध्यान से बात सुनो, हमने कहा मिडल ऑफ हाफ ईयर, मिडल ऑफ हाफ ईयर, ये देखो मिडल ऑफ हाफ ईयर का मतलब अप्रैल से सितंबर का हाफ ईयर है, तो उसका मिडल अप्रैल मई जून 3 महीने चले गए, तो पैसा निकाला मिडल ऑफ हाफ ईयर का मतलब अप्रैल मई जून चला गया, तो पैसा निकाला 1 जुलाई को। आखिरी बार अक्टूबर नवंबर दिसंबर चला गया, पैसा निकाला 1 जनवरी को, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार कब निकाला, अप्रैल मई जून चला गया, निकाला 1 जुलाई को, जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ। आखिरी बार निकाला 1 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ, तो 9 + 3 क्या हो गया जी, 9 + 3 = 12, उसका एवरेज 9 + 3 = 12, उसका एवरेज हो गया जी 6 मंथ। आखिरी बार 3 सर कैसे आया जी, हमने निकाला पैसा विड्रॉ किया, कब विड्रॉ किया, एंड में, हाफ ईयर के एंड में, तो पहली बार कब विड्रॉ किया होगा, हाफ ईयर का एंड सितंबर में, 30 सितंबर को, और आखिरी बार 31 मार्च को, तो 30 सितंबर का मतलब 6 महीने, 31 मार्च का मतलब 0 मंथ, तो सर यहां पे क्या आ गया, आखिरी में क्या आ गया, 6 + 0/2 दैट इज एवरेज 3 मंथ। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मंथली ड्राइंग तीनों बातें, क्वार्टरली ड्राइंग तीनों बातें, और हाफ ईयरली में भी सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। अगला कॉन्सेप्ट हो रहेगा, आओ देखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, फिर उसके बाद उसे नोट लिखवाऊंगा इसके, और नोट के साथ हमारा इक्वल ड्राइंग का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ जी सर, अगला क्या आ रहा है, मंथली ड्राइंग्स 4 6 मंथ, मंथली ड्राइंग 4 6 मंथ, सर इसका मतलब क्या है, हमने पैसा निकाला 6 महीने के लिए और 6 महीने के बाद पैसा वापसी फॉर्म को लौटा दिया। मान लो अगर आपने 6 महीने के लिए निकाल लो, अप्रैल में निकाला, मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 महीने के लिए पैसा विड्रॉ किया और 6 महीने के बाद आपने वापसी पैसा फॉर्म को लौटा दिया, और डिस्कस करेंगे क्या होता है, क्या कहते हैं, पहले टी डी कैसे निकालोगे, टोटल ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग इज इक्वल टू मंथली ड्रॉइंग मल्टीप्लाइड बाय 6, मंथली ड्रॉइंग मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 महीने के विड्रॉ कर रहे हो आप खाली, देखते आ जाओ, बिगनिंग, मिडल, बिगनिंग, मिडल और एंड, बिगनिंग, मिडल और एंड। और सर क्या करेंगे, आ जाओ बिगनिंग में पैसा विड्रॉ करो 6 महीने के लिए, टी डी इंटू आर वाई ओवर 100, पैसा 6 महीने के बाद आपने बिजनेस को वापसी लौटा दिया, 3.5/12, सोचना कैसे आया, सोचना आपका काम है अभी, टी डी इंटू आर वाई ओवर 100 इंटू
3/12 average, 3.5/12, 3/12 एवरेज। इसी प्रकार यहां पर TD इंटू आर वाई ओवर 100 इंटू 2.5/12 मंथ एवरेज। नोटिंग करेंगे फटाफट कैसे आया, बता दूंगा खाली कैसे आया, लिखेंगे नहीं खाली बताऊंगा कैसे आया, फटाफट देखेंगे। पैसा विड्रॉ किया 6 महीने के लिए, देखो बिगिनिंग का समझो, पहली बार पैसा निकाला 1 अप्रैल को 6 महीने के लिए, आखिरी बार निकाला 1 सितंबर को, 1 अप्रैल को निकाला, 1 अप्रैल से 6 महीने 30 सितंबर तक, तो 6 महीने हो गए, और आखिरी बार 1 सितंबर को, 1 सितंबर से 30 सितंबर, तो कैसे आए 3.5, कैसे आया 6+1/2 एवरेज आखिरी बार 1 महीने के लिए। ऐसे मिडल में कैसे आया, पहली बार विड्रॉ किया पैसा हम लोगों ने 15th अप्रैल या 16th अप्रैल, 5.5 महीने के लिए, 5.5 मंथ। आखिरी बार हमने विड्रॉ किया 15 सितंबर को, खाली 1/2 मंथ, उसका एवरेज अपॉन 2। लास्ट वाला एंड वाला, सर एंड वाला ढाई कैसे आया बताओ, ढाई कैसे आया, ढाई एंड में कैसे आया, पहली बार विड्रॉ किया पैसा सर कब विड्रॉ किया जाए आपने, हमने कहा जी 30th अप्रैल को, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, आखिरी बार 30 सितंबर को अपॉन 2। कोई यहां तक डाउट में से कोऑर्डिनेट करो, कोई डाउट कोऑर्डिनेट करो, हाफ ईयरली फॉर 6 मंथ, कोई मन में संदेह, कोई डाउट है तो बताओ, फिर इधर से आगे चलेंगे, है तो बताओ इधर से आगे चलेंगे। नो सर, दो कॉन्सेप्ट और आएंगे, दो कॉन्सेप्ट इक्वल ड्राइंग में और आने हैं, उसके साथ मेरा इक्वल ड्राइंग का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन आज एक करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको मिलेंगे होमवर्क, आओ सर देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट और सर, मान लो हमारे को डेट ही नहीं पता क्वेश्चन में, सर अपने लोगों को क्वेश्चन में डेट नहीं पता कि हम लोगों ने पैसा कब विड्रॉ किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे को डेट नहीं पता तो क्या मानेंगे, लिखेंगे नोट जी, नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे बच्चे, एक एक कॉन्सेप्ट को संभाल के चलना, बार बार कह रहा हूं, बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो दिक्कत आएगी, जिस पर अगर आप लोगों ने एनपीओ में देखा एक एक कॉन्सेप्ट से पूरे क्वेश्चन बन के तैयार हुए थे, ऐसे यहां जो चैप्टर में कॉन्सेप्ट सीखोगे आने वाले हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपके काम आएगा, तो प्लीज हर लेक्चर को संभाल के चलना, उस लेक्चर का काम उसी दिन में खत्म कर लेना, ऐसा समझा सकता हूँ आप लोगों को। और संडे को टेस्ट है, उम्मीद है आपको पता होगा, एनपीओ को 12 बजे। हाँ जी सर, आ जाओ। इफ अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, प्रॉब्लम आ गई सर, क्या करें, मिडल माने एंड माने क्या माने, नहीं पता डेट ही नहीं पता, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम मान लेंगे, एज्यूम करेंगे अमाउंट ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द पीरियड। देखो बिगिनिंग मानेंगे तो भी लड़ाई है, एंड मानेंगे तो भी लड़ाई है, प्रॉब्लम आ जाएगी, पैसे की बात है, हमने कहा भाई ना बिगिनिंग मानो ना एंड मानो, रूल दे दिया नहीं पता डेट, तो लड़ना नहीं है, घबराना नहीं है बच्चे, इस रूल के कारण क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम में गलत हो जाता है, अभी आपको दिखाऊंगा जब हम लोग गलती जहां करेंगे, वो गलती आप लोगों को एग्जाम में नहीं करनी, उसको आपको क्लासरूम में ही सीख लेना है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता तो क्या मानेंगे सर, अज्यूम करेंगे अमाउंट ड्रॉन कब किया, इन द मिडल ऑफ द पीरियड, मिडल ऑफ द पीरियड, तो देयरफॉर आईओडी क्या बन जाएगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6/12। आप देखिए आ जाओ, क्वार्टरली का मिडल भी 6/12 है, मंथली का मिडल भी 6/12 है, और हाफ ईयरली का मिडल भी 6/12। आप चेक कर सकते हो प्लीज एक बार, अगर से डेट नहीं पता तो क्या मानोगे 6/12। चलो आगे, इस नोट को लिखिएगा मन में, क्वेश्चन कोई डाउट यहां तक, नो सर,
अब चलेंगे आगे, एक बात और करेंगे। अब समझना मेरी बात, अब जो बताने जा रहा हूं सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये आज के लेक्चर की। क्या बताने जा रहा हूं देखते हैं। आज जितना मैंने पढ़ाया है सब भूल जाओ, अब क्यों भूल जाए, एक घंटा बर्बाद किया हमने। यहां से बड़ी बात सुनना, जितना पढ़ाया सब भूल जाना जो आज पढ़ाया। सर आज क्या पढ़ाया आपने? आज मैंने पढ़ाया 6.5 को 6, क्या था 5.5, और क्या था याद करो 7.5, 6, 4.5, 9, 6, 3, ये मंथली वाला था, क्वार्टरली वाला था, हाफ ईयरली वाला था, उसके बाद 3.5, 3 और 2.5, सब भूल जाओ, सब भूल जाना। अगर आपको क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई मिल जाए जो मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान से बात सुनेगा मेरी बात, जितना पढ़ाया बिगिनिंग मिडल एंड कुछ याद नहीं रखना हम लोगों ने, अगर ऐसी बात आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिल जाए, सर क्या लिखा हुआ मिल जाए, अभी समझेंगे आप समझेंगे। एक वर्ड की इंपॉर्टेंस सीखेंगे आज आप, आपसे मैं कई बार पूछता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट है अगर डीड में ही लिखा, तो आप में से कुछ लोग बोलते हैं बेटे क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो 6%, जबकि बेटे होता क्या वो 6% बोलो पर एनम। आज हम सीखेंगे पर एनम की इंपॉर्टेंस। अगर मेरे क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे, आओ समझते हो चीज को। तो याद रखना वो 6% लोन वाला पर एनम है। अगर एग्जाम में चार ऑप्शन आए तो बच्चे आपको 6% पर एनम चुन के आने, और उसको नोट नंबर सेकंड लिखो, क्या नोट आ रहा है, इफ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज गिवन, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन, is given without को लिखो बड़ा बड़ा, without the word per annum, को पूरे को एक साथ लिख दो word, ये पूरा। अगर हमारे को क्वेश्चन में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया, वहां सब कुछ था, सैलरी भी था, आईओसी भी था, आईओडी भी था, लोन भी था, आप ये per annum word को देखना भूल गए, आपने पढ़ लिया बिगिनिंग, पढ़ लिया मिडल, पढ़ लिया एंड, लगा दिया कॉन्सेप्ट वाला, पूरा क्वेश्चन खत्म हमारा। ध्यान से बात सुनो क्या कहता हूं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉइंग के ऊपर गिवन है बिना पर एनम वर्ड के, बिना पर एनम वर्ड के, देन तो हम क्या करेंगे, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स has to be calculated. अगर अपने लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है बेटे बिना पर एनम वर्ड के, तो हम क्या करेंगे, आईओडी हैज टू बी कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, विदाउट कॉन्सिडरिंग टाइम फैक्टर, विदाउट कॉन्सिडरिंग टाइम फैक्टर। अगर आपको सीधा सीधा वर्ड गिवन है, परसेंटेज गिवन है, साथ में पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, तो आप उसको करोगे विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर, मतलब हम सब कुछ इग्नोर कर देंगे। आप लिख दो, लिख के काटो, आपको याद रहेगा, लिख कैसे काटो, ये सारी बातें हम इग्नोर कर देंगे। तो जितना हमने आज का लेक्चर पढ़ा है वो लेक्चर नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बच्चे क्या वर्ड गिवन नहीं है, बोलो क्या वर्ड गिवन नहीं है, पर एनम वर्ड अगर गिवन नहीं है तो जितना पढ़ाया है उसकी वैल्यू हो गई जीरो, उसकी वैल्यू हो गई जीरो। तो देयरफॉर को लिख के काटो, याद रहती है बातें, ये याद रहती है आपको, देयरफॉर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकला,
इंडस क्रॉन ड्रॉइंग कैसे निकला? क्वेश्चन में अगर बिगनिंग भी लिखा हो तो घबरा मत जाना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का वर्ड पैनम नहीं है तो बिगिनिंग भूल जाओ, मिडल भूल जाओ, सब भूल जाओ। देखो पर एनम है या नहीं है, अगर पर एनम नहीं है तो सिंपल आप बोलो टोटल ड्रॉइंग्स इंटो रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहां पर एनम की बात हम आप लोगों के साथ नहीं करेंगे। क्या किसी के मन में को डाउट इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, प्लीज मुझे बताएं, कोई डाउट? नो सर। अब आखिरी के दो मिनट पूरे लेक्चर को हम करते समराइज, पूरे लेक्चर का बनाते क्रक्स, छोटा सा बनाते टेबल। तो टेबल के माध्यम से हमारा पूरा लेक्चर उसमें समा जाएगा छोटे से टेबल के अंदर, और वही बातें आपको याद रखनी है। तो टेबल हम बनाते आ जाओ और एक छोटा सा क्रक्स बनाते आज के लेक्चर का पूरा तो समराइज कर लेंगे। तो बच्चे आपको देखो एग्जाम में ड्राइंग कैसी भी आ जाए अब आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको मुझे फॉर्मूला दे दिया किस तरीके से उसको डिराइव करना है। उम्मीद है आपको बात समझ आया होगा। आओ समझते सर क्या बात करते हैं। हम एक छोटा टेबल बनाते हैं, पहले यहां लिखते हैं मंथली मंथली के बाद अगला आ रहा है सर यहां पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली फोर, सिक्स मंथ, 1, 2, 3, 4, 5, नो डेट इज गिवन। हमें डेट नहीं पता तो वहां पे क्या जूम करते, मैंने क्या बताया क्या जूम करते हम लोग, बताओ जी क्या जूम करते हम लोग, मिडल और लास्ट। लास्ट बात क्या है, आर ओ आई इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम। लिखो छह बातें, लिखो पहले लिखो, इस पूरे को कंप्लीट करेंगे। ये आ गया बिगनिंग का, ये आ गया मिडल में, और ये आ गया एंड में। लिखो जी लिखो, बनाएंगे टेबल को। आ जाओ क्या कहेंगे, देखो अपने आप कंप्लीट करो जी एक बार। अंजय बनाओ जी क्या बनेगा मंथली में, क्या आ गया यहाँ पे बोलो, हरे आप 6.5, 6, 5.5, पार्टली में 7.5, 6, 4.5, हाफ ईयरली में 9.63, मंथली फॉर सिक्स मंथ 3.53 और 2.5। डेट नहीं पता तो मानेंगे मिडल, सिक्स आ गया। और अगर वर्ड आर वाई गिवर ही नहीं है तो ना बिगनिंग ना मिडल और ना ही, करो कंप्लीट करो जी, कोई डाउट हो मेरे से बात करो, स्पीड से कंप्लीट करो फटाफट, वेट कर रहा हूं। आ जाओ फटाफट आ जाओ, मैं आप लोग ही वेट कर रहा हूं। सबको आईओडी का इक्वल ड्राइंग के छह कॉन्सेप्ट समझ आ गए ये वाले? यस सर। करेंगे क्वेश्चन, अगर समझ आ गया अपने लोगों को तो एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। हाँ जी सर, आ जाओ जी क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करो जी अपने आप सॉल्व करो।
सर कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? बच्चे हम करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन करो अपने आप क्वेश्चन 36 स्टार्ट करो जी। राम और मोहन दो पार्टनर है जी, उनकी ड्राइंग है ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज, 1,20,000 और 80,000 विड्रॉ किए दोनों ने रिस्पेक्टिवली। सर पता ही नहीं क्या कह रहा है, मंथली नहीं बता रहा ना क्वार्टरली बोल रहा, सिंपल कह रहा है उन्होंने विड्रॉ किया है 1,20,000 विड्रॉ किया राम ने और मोहन ने विड्रॉ किया 80,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 6% से पर एनम लिखा हुआ है, मतलब आखिरी वाले रूल में तो अप्लाई होगा नहीं, ना बिगनिंग पता है ना मिडल पता है ना एंड पता है, क्या मानोगे, क्या मानोगे जी इसको? मिडल मानेंगे। और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो जी, सॉल्व करो, क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा जी, निकाल दोनों का बेटे अलग अलग निकालना, दोनों का बेटे अलग अलग निकालेंगे, आ जाओ आप खुद सॉल्व करो फिर मैं करूंगा आप लोगों के लिए, अपना आप खुद टाइम लो पहले आप लोग, हम ऊपर ही साइड में ही सॉल्व कर लेते, आ जाओ यहीं पे बगल में। हाँ जी सर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बेटे पहले बात करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लो, आईओडी का फॉर्मूला लिखो, आईओडी का फॉर्मूला क्या है? टीओआई इंटो आर टीडी, टीडी इंटो हाँ जी टीडी इंटो आर ओ आई ओवर 100, हमें टाइम नहीं पता तो 6 बाय मेडल मानेंगे, करो जी करो। पहले बात करो राम की, राम की आपको पूरे साल की ड्राइंग पता है, मंथली पूरे साल की ड्राइंग पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, मिडल माना 6 बाय 12, सॉल्व करो, ऐसे निकालो मोहन की 3600, देखते हैं इसको ऐड मत करना, दोनों की अलग अलग है बच्चे, इसको दोनों की अलग अलग लिखेंगे, 36 आ रहा है, बाकी लोग कंपेयर कर लीजिएगा एक बार सर कितना आ रहा है, सर अगले का निकालो 80,000 का 6% 6/12 6 बाय 12 सॉल्व करो, कितना आ गया जी? 2400 आ गया, 2400 करो कंप्लीट। एक क्वेश्चन और देखेंगे उसके बाद वाइंड अप करेंगे, क्वेश्चन और करते हैं छोटे से, क्वेश्चन और करते हैं, इसको कंप्लीट करो, अगला क्वेश्चन बताऊं क्या करेंगे हम लोग, इसको कंप्लीट करो एक बार आप पहले, ये क्वेश्चन उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा, बिना डाउट के, कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में किसी को भी, आइए क्वेश्चन और करते आइएगा। अपने आप स्टार्ट करो आप क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन स्टार्ट करो 42, क्वेश्चन 42 वेट कर रहा हूं, पढ़ो क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है आईओडी निकालो अशोक की 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच द फॉलोइंग, पहला केस क्या है, इन्होंने ड्रॉ करे 7500 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 7500 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 7500 एंड ऑफ ईच क्वार्टर और 7500 ड्यूरिंग मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, करो सॉल्व, देखेंगे बात करते हैं, देखो वर्ड गिवन है 10% पर एनम, वर्ड गिवन है पर एनम गिवन है 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो मुझे बस टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, क्वेश्चन 42 क्वार्टरली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय
30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 7500 इनटू 4 अमाउंटिंग टू बी 30,000 रुपीस। पूरे साल की ड्राइंग होगी 30,000 रुपए। सॉल्व करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% है जी पर एनम, वो भी पर एनम है। आओ देखते हैं केस वन, आईओडी इक्वल टू टीडी इंटू आरओआई अपॉन 100। बिगनिंग में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्वार्टर में बिगनिंग में याद करके आओ, चेक करो क्वार्टर का बिगनिंग किससे मल्टीप्लाई होगा, 7.5 बाय 12 मंथ। डू इट फास्ट। केस सेकंड, केस सेकंड में कह रहा है एंड ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर का एंड 4.5 बाय 12। केस नंबर थर्ड, टीडी इंटू आर ओआई अपॉन 100 इंटू कह रहा है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल 6/12। करो सॉल्व, तीनों केस में टीडी कॉमन आ रहा है, इंटू 10/100 7.5/12 30,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। सॉल्व करके बताओ वैल्यू क्या आ रही है, और लास्ट के 30,000 इंटू 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। बताओ जी तीनों केस में वैल्यू क्या आ रही है, मुझे बताओ। तो मन में डाउट है, मन में क्वेश्चन है, मेरे से बात करो। हाँ जी क्या आ गया जी बताओ। $1875 आ गया पहले का, अगले का बोलो। 1125 अगला बोलो। 1500 चलो बहुत बढ़िया। होमवर्क के क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग फटाफट, इसको कंप्लीट करो, होमवर्क के क्वेश्चन लिखेंगे। आने वाली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें ड्राइंग भी होगा और साथ में अप्रोप्रिएशन का टॉपिक भी आएगा, और साथ में अनइक्वल ड्राइंग का टॉपिक हम खत्म करेंगे। जो क्वेश्चन 43 आप देख पा रहे हो अनइक्वल ड्राइंग का क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा। अभी फिलहाल होमवर्क लिखो भाई, कोई क्वेश्चन मैं आपको और फॉरवर्ड करूंगा, पहले अभी लिखो जो आज के लिए 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। तो आपके क्वेश्चन ट्राई करने बचे 36 से लेके 42 तक, 43 भी आपसे नहीं होगा। ये क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अनइक्वल ड्राइंग, मैं टॉपिक करवाऊंगा तो होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कुछ क्वेश्चन मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आईओडी के जो आपको सॉल्व करने हैं। थैंक्स लॉट एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, गॉड ब्लेस एवरीवन।